आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल के आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें आगरा में जिम और होटल-रेस्टोरेंट संचालकों को प्रशासन ने बड़ी राहत दी है जिम खोलने की अनुमति दी गई है वहीं होटल और रेस्टोरेंट में लोग बैठकर खाना खा सकेंगे इसके लिए कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा वहीं मोन्यूमेंट्स खोलने का मन भी प्रशासन ने बना लिया है पहले चरण में ताज और लाल किला को छोड़कर अन्य स्मारकों को पहले चरण में खोला जाएगा वहीं दूसरे चरण में ताज और लाल किला भी खोले जाएंगे आगरा में पॉजिटिविटी रेट तीन फीसदी से नीचे आ गई है जिससे प्रशासन ने बफर जोन की व्यवस्था में बदलाव किया है सभी रेस्टोरेंट्स और जिम संचालकों को प्रॉपर रूप से व्यवसायिक गतिविधियां शुरू करने की अनुमति दी गई है अब रेस्टोरेंट्स में बैठकर लोग खाना खा सकेंगे इसके लिए जिम और रेस्टोरेंट संचालकों को राज्य और केंद्र सरकार द्वारा जारी कोरोना प्रोटोकॉल की गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य होगा जनपद में हमारी जो पॉजिटिविटी है जब तीन परसेंट से कम आ गई जो कि आइडियल सिचुएशन होता है इसके दृष्टिगत हमने कुछ पाबंदियाँ रखी थी उसको रिलैक्स किया है इसको जो बफर जोन हम लोगों ने डिक्लेयर किया था अब वो बफर जोन नहीं रहा पाबंदियाँ जो कोविड के लिए जो प्रोटोकॉल है वो उनको फॉलो करना होगा भारत सरकारी गाइडलाइंस और उत्तर प्रदेश सरकार गाइडलाइंस ऑलरेडी क्लियर है उसको करें और प्रॉपर सैनिटाइज करते रहें लोगों को अलग अलग रखें अपने जो उनके एम्प्लाई हैं जो लोग आ रहे हैं उसके सेनेटाइजर का विशेष ध्यान रखें स्मारकों को खोलने पर भी प्रशासन विचार कर रहा है इसके लिए दो चरणों में स्मारक खोले जाएंगे पहले चरण में ताज और लाल किला को छोड़कर अन्य सभी स्मारक खोले जाएंगे जिसके लिए कोई तिथि अभी सुनिश्चित नहीं की गई जहां तक मॉन्यूमेंट्स की बात है जैसे जैसे पॉजिटिविटी कम होती जाएगी रिलैक्सेशन बढ़ते जाएंगे अभी कल हम लोग का डिस्कशन हुआ है दो चरण में अभी बात हो रही है बट अभी एग्जैक्ट कैसे करना है जब डिसाइड हो जाएगा तब अवध कराया जाएगा आपको बता दें कि आगरा के सभी स्मारक 17 मार्च से ही बंद हैं। पर्यटन इंडस्ट्री से जुड़े लोग अनलॉक वन से ही स्मारकों के खुलने की बात जोर रहे हैं सी न्यूज के लिए विजय बघेल की रिपोर्ट